वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई प्रफुल डावी वेलकम यू ऑल इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज द जर्नी विद प्रफुल डावी। मेरे मित्रों, यह हमारा एपिसोड नंबर 83 है जो कि समाज या सोसाइटी के ऊपर कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है। मेरे मित्रों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है बहुरंग सीरीज, दिस इज फॉर द इंडिया। इसके अंदर लगभग सारी किस्म के जो मिसेलिनियस टॉपिक्स होते हैं वो हम कवर करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बहुरंग सीरीज। मेरे मित्रों, आइए कुछ छोटी सी चर्चा समाज या सोसाइटी के ऊपर करते हैं। मेरे मित्रों, यह हमारा लीगल डिस्क्लेमर है, यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें, तभी आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द प्लेलिस्ट एंड द एपिसोड्स ऑन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जीवन के लगभग हर आयाम को इस चैनल के द्वारा, जीरो टू इन्फिनिटी के द्वारा कवर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इन चैनल के जो एपिसोड्स हैं इनका लुत्फ उठा रहे होंगे। और यदि कोई गलती हो रही है, यदि कोई मुझसे गलती भूल हो रही है, तो आपका ये विनम्र दोस्त आपके लिए उपलब्ध है कि आप उसे गाइड कर पाएं कि आखिर गलती कहां पर हो रही है, ताकि मैं उसे सुधार पाऊं। मेरे मित्रों, वेलकम इन द बहुरंग सीरीज, वेलकम इन अ न्यू वर्ल्ड। आखिर समाज शब्द क्या है? समाज शब्द लगभग हम में से हर एक आदमी इसके बारे में पूरी तरीके से परिचित है, तो कितना टफ है कि आखिर मैं एक वो चीज बताने जा रहा हूं जो कि आप और हम सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। मेरे मित्रों, हिंदी भाषा जो है वो एक काफी प्यारी भाषा है। इस भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और इसका जो व्याकरण है वो देव भाषा संस्कृत से उद्भूत है। अर्थात जो देव भाषा संस्कृत है, एक ऐसी भाषा जिसका कि संस्कार हो चुका है, संस्कृत भाषा, उसी का व्याकरण का कॉपी पेस्ट करके मैंने हिंदी के अंदर लिया है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि संस्कृत की जो पूरे ज्ञान की धरोहर है वो मुझे उपलब्ध हो जाती है यदि मेरी एक्सपर्टाइज हिंदी के ऊपर है तो, क्योंकि व्याकरण, शब्द, निहितार्थ, भाव, ये सब कुछ हम संस्कृत से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। मेरे मित्रों, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो अति वैज्ञानिक भाषा है। समाज, आखिर क्यों मुझे इसकी शब्द की कुछ पल्लवन करना, विस्तार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए देखते हैं अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर। समाज क्या है? सम और आज। समाज इक्वल टू सम प्लस आज। सम क्या है आखिर? सम का मतलब समत्व, समानता, इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एज ए सम। आज वर्तमान का समय, वर्तमान का क्षण, ना इतिहास ना भविष्य, शुद्ध और शुद्ध, केवल और केवल वर्तमान का क्षण। तो सम का मतलब समत्व, समानता या इक्विलिब्रियम, और आज मतलब वर्तमान का समय, ना इतिहास के अंदर डोलना है ना भविष्य में जाने का प्रयास करना है, शुद्ध आज का वर्तमान। मेरे मित्रों, अतः अगर हम दूसरे तरीके से सोचें, समाज का मतलब क्या हो गया? आज का समत्व, आज वर्तमान के इस क्षण का समत्व, आज का स्थायित्व, आज इस प्रेजेंट मोमेंट की समानता। और यदि हम बात करें वैज्ञानिक न्यूटन के शब्दों में, तो एक्स कॉमा टी का समत्व। एक्स क्या है? प्लेस या स्थान, और काल क्या है? समय, काल मतलब समय। तो एक्स और टी में समत्व मतलब क्या हो गया? इस देश और काल में आज का जो समत्व है, आज की जो समानता है, उसे मैं समाज कहूंगा। द इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंट प्लेस एंड द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड एज द समाज। यही कारण है मेरे मित्रों कि समाज का एक जो बड़ा हिस्सा होता है वो अपने आप को हमेशा
स्थिर रखने का प्रयास करता है, वह परिवर्तन का विरोध करता है। समाज आज की साम्यवस्था, आज का इक्विलिब्रियम उसको परिवर्तन करने का हमेशा विरोध करता है। समाज चाहता है कि जैसा है बने रहे, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो। ऐसा समाज के अधिकांश लोग, समाज का मैक्सिमम हिस्सा ऐसा चाहता है। यद्यपि अगर हम बात करें गीताकार के शब्दों में, जिन्होंने कि भगवत गीता लिखी थी, और नरोत्तम पुरुषोत्तम अर्जुन जी को उन्होंने अपना ज्ञान दिया था श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, तो उसके अंदर क्लियर कट उन्होंने लिखा था, परिवर्तन संसार का नियम है। द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द एग्जिस्टेंस। जीवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्ता, कोई भी अस्तित्व का अंग परिवर्तन से भागने में संभव नहीं है। कितना ही वो चाहे कि स्थायी रहे, स्थिर रहे, समानता रहे, इक्विलिब्रियम रहे, परंतु दे कैन ट्राई फॉर इट ओनली। परिवर्तन तो होना है, होके ही रहेगा। तो मेरे मित्रों, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को हमेशा स्थिर रखने का प्रयास करता है, वह परिवर्तन का विरोध करता है। और मेरे मित्रों, यही वो कारण है कि हर व्यक्ति जो कि परिवर्तन लाना चाहता है, भले वह नकारात्मक परिवर्तन हो या सकारात्मक परिवर्तन हो, समाज के कुछ हिस्सों का विरोध अवश्य झेलता है। अगर मैं इस जीवन में कुछ सकारात्मक कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा, निसंदेह समाज के कुछ हिस्सों का मुझे विरोध सहना होगा। अगर कोई गुंडा किस्म का व्यक्ति है, मवाली किस्म का व्यक्ति है, और वो अगर चाहता है कि पूरी दुनिया में जंगल राज फैल जाए, एंटीक्राइस्ट टाइप ऑफ द पर्सन, अगर वो चाहता है कि पूरे दुनिया में शैतानी राज्य फैल जाए, जंगल राज फैल जाए, तो भी उसे समाज के कुछ हिस्सों का विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि समाज हमेशा विरोध करता है उस व्यक्ति का जो कि उसके अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और मेरे मित्रों, आखिर हम बात कर रहे हैं एक लॉजिकल चैनल की, लॉजिकल कॉन्सेप्ट की, एक वैज्ञानिक धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर? समाज के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, जो विरोध का कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है? क्योंकि विरोध करे ना तो क्या करे, आखिर हम एक वैज्ञानिक विश्व में रह रहे हैं, और अगर हम वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों, न्यूटन का जड़ता का नियम तो काम करेगा ही। दैट्स कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जड़ता का नियम। इसका मतलब कोई भी चीज, भले वो व्यक्ति हो, समाज हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, और यही जड़त्व है, इनर्शिया है। मेरे मित्रों, यद्यपि ईश्वर के द्वारा मानव को दी गई संकल्प स्वतंत्रता के द्वारा हर व्यक्ति वर्तमान के क्षण में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, भगवान ने आपको, हमें, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ विल दी है। फ्रीडम ऑफ विल या संकल्प स्वतंत्र है, वो हमें दिया गया है। वर्तमान के क्षण में मैं वीडियो बनाने का निर्णय ले रहा हूं, यह मेरा अपना निर्णय है। वर्तमान के इस क्षण के अंदर आप वीडियो देखने का निर्णय लेते हैं, यह आपका निर्णय है। अगर ये पसंद नहीं आता ये चैनल, तो आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, ये भी आपका अपना निर्णय होगा। आप सब कुछ सुन लेते हैं फिर भी उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो भी ये आपका निर्णय होगा। तो मेरे मित्रों, भगवान ने जो हमें संकल्प स्वतंत्रता दी है, या जो फ्रीडम ऑफ विल दिया है, उसके अंतर्गत हर व्यक्ति वर्तमान के क्षण में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। आई कैन से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऋणात्मक अनंत से लेकर सकारात्मक अनंत, अंतिम पाप से लेकर अंतिम पुण्य तक मैं इस क्षण के अंदर करने का अधिकारी हूं। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। मेरे मित्रों, यद्यपि भगवान ने तो संकल्प स्वतंत्रता दे दी है, परंतु समाज क्या करता है, उस संकल्प स्वतंत्रता को ज्यादा काम में लेने का
व्यक्ति को अवसर थोड़ा कम देता है। उस व्यक्ति का जो समाज है वो पूरी कोशिश करेगा कि समाज या सोसाइटी का स्थायित्व या इक्विलिब्रियम बना रहे। अगर आप समाज से ज्यादा अच्छे हो गए तो भी निंदा होना है और विरोध होना है, पत्थर पड़ने, गोलियां भी मिल सकती है, बम विस्फोट के द्वारा उड़ाए भी जा सकते हो, कोई चाकूबाजी भी कर सकता है। और अगर आप समाज से कम अच्छे होते हैं तो भी निंदा और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। एक गुंडे की हालत क्या होती है, बेचारा हर आदमी से कुछ भजन सुनता है क्योंकि समाज से कुछ नीचा है। सिमिलरली कुछ आदमी अगर समाज से कुछ ऊंचा उठ जाता है और समाज को अगर दिशा देने का प्रयास करता है तो उसको भी निंदा, अपयश और विरोध का सामना करना पड़ता है। ये नियम है क्योंकि परिवर्तन का विरोध होता है। मेरे मित्रों, व्यक्ति हमेशा समाज के अनुकूल रहे, यही हमारा समाज या यही हमारी सोसाइटी चाहती है। इसका मतलब समाज क्या चाहता है मुझसे, मैं हमेशा समाज के अनुकूल रहूं, जो समाज कहे वो मैं करूं, समाज जैसा कैसा है न उससे ज्यादा अच्छा बनने का प्रयास करूं न उससे कम अच्छा बनने का प्रयास करूं, जैसा समाज है वैसा मुझे बनते रहना चाहिए, तभी समाज के लिए मैं कम घातक हूं और समाज मुझे पूरी तरीके से स्वीकार करेगा। मेरे मित्रों, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि हम शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो हमें समाज की साम्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिए, समाज के इक्विलिब्रियम को भंग नहीं करना चाहिए। ना एक इंच ऊपर जाना है ना एक इंच नीचे जाना है, जैसा समाज हमसे अपेक्षा रखता है वैसा हम चलते रहें, करते रहें। लेकिन मेरे मित्रों, व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, समाज कितना भी क्यों ना रोक दे, वो जो व्यक्ति है जिसे कि भगवान के दी हुई संकल्प स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल मिल चुकी है, वो तो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाज विरोध करेगा परंतु वो व्यक्ति पूरी कोशिश करेगा, उसकी अंतरात्मा पूरी पूरी कोशिश करेगी कि वो आदमी अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, और यहीं से टग ऑफ वार शुरू होता है, यहीं से रस्साकसी शुरू होती है। मेरे मित्रों, काफी बोर हो गए होंगे आप क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई है, काफी बड़ी बड़ी बातें, आप चाहें तो पॉज करके भी रख सकते हैं, हो सकता है कि आप कुछ पसंद न भी आए, इट मे बी पॉसिबल, परंतु अगर आपने लीगल डिस्क्लेमर पढ़ा है तो आप समझ ही गए होंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, इस चैनल को सुनने की कोई भी बाध्यता नहीं है। मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं अपने लिए बोल रहा हूं। मेरे मित्रों, आप चाहें इस चैनल को बंद कर सकते हैं, यदि आप चाहें इस एपिसोड को बंद कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, थ्योरी बहुत हो गई है, परंतु अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। सतयुग, एक ऐसा युग जो कि गोल्डन युग कहा जाता है, एक स्वर्ण युग कहा जाता है, उसमें क्या था, समाज की जो इक्विलिब्रियम था, समाज की जो साम्यवस्था थी, वो सत्य और उच्चतर थी। एक हायर इक्विलिब्रियम के ऊपर सतयुग का समाज था, गोल्डन जो ईरा था, यूटोपिया था, ईडन गार्डन था, उसका समाज एक सत्य का समाज था और उच्चतर या हायर इक्विलिब्रियम का समाज था। हर व्यक्ति सत्य बोलता था, सत्य का पालन करता था, और जो भी समाज के उस नियम का पालन नहीं करता था, अर्थात झूठा था, कपटी था, वो क्या था, असुर था, यानी समाज के विरुद्ध। त्रेता युग, सतयुग खत्म हुआ, फिर आया त्रेता युग। त्रेता में क्या था, सत्य कुछ लोगों की धरोहर थी, अधिकांश जो आदमी थे वो एक कॉमन मैन थे, कॉमन पीपल। एक आदर्श रामराज्य का समाज था, एक आदर्श यूटोपिया था, एक आदर्शात्मकता की अंतिम चरम था। मेरे मित्रों, उस समाज के अंदर, उस युग के अंदर एक व्यक्ति रावण ने स्त्री को गलत निगाह से देखा, वो क्या कहलाया, असुर, राक्षस,
उसने समाज की साम्यवस्था को, समाज की इक्विलिब्रियम को भंग करने का प्रयास किया। विभीषण वो एक आसुरिक समाज के अंदर धर्मात्मा था। आसुरिक मतलब चारों तरफ की पूरी दुनिया काली है, पूरी कोशिश कर रही है कि विभीषण जी भी असुर बन जाए, कोशिश की जा रही है कि विभीषण जी भी कुछ पाप कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। आसुरिक समाज के अंदर एक धर्मात्मा थे महात्मा विदुर। अतः जैसे जीभ होती है 32 दांतों के अंदर, उसी तरीके से वो लंका के अंदर दुख उठाते रहे, क्योंकि ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज की जो इक्विलिब्रियम था, वो जो नकारात्मक इक्विलिब्रियम था, नकारात्मक साम्यवस्था थी, उसके हिसाब से नहीं ढल पाए। दैट्स वाई विभीषण जी ने दुख सहा। मेरे मित्रों, उसके बाद में अगला युग आया, द्वापर युग। सत्य चला गया, आदर्शात्मकता चली गई, क्या मिला? द्वापर यानी एक व्यवहारिक आदर्श का समाज, काम होना चाहिए और एक बड़े धर्म के लिए छोटे धर्म को त्यागा जा सकता है। एक बड़े उद्देश्य की रचना के लिए, एक बड़े उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए, एक बड़े एम को प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्य को छोड़ा जा सकता है। समाज, एक बड़े समाज के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए छोटे आदमी के छोटे सत्य को बलि चढ़ना पड़ सकता है। जैसे युधिष्ठिर जी जो थे, अश्वत्थामा हतो हतो वा नरो वा कुंजिरो वा, महाभारत यज्ञ जो था वो जीता नहीं जा सकता था अगर द्रोणाचार्य जी अपना धनुष नीचे न रख देते। और धनुष नीचे कब रखेंगे? जबकि पुत्र की मृत्यु का समाचार उनके पास में मिला। और हर किसी की बात वो नहीं मानने वाले, केवल एक व्यक्ति की उनको बात मानना है, वो है धर्मराज युधिष्ठिर। परंतु अगर महाभारत जीतना है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का अगर धर्म के बारे में देखना है, तो एक व्यक्ति यानी धर्मराज के धर्म की बलि चढ़ी। मेरे मित्रों, एक व्यवहारिक आदर्श था। आदर्शात्मकता चाहिए, परंतु व्यवहारिक आदर्श, बड़े आदर्श के लिए छोटे आदर्श की बलि चढ़ गई। अब क्या? हमारा अपना कलयुग, हमारा अपना डार्क एज, ये क्या है? एक सापेक्षिक रूप से ये एक डार्क एज है, ये एक अंध युग है। इसके अंदर अधिकांश समाज, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, एक लोअर इक्विलिब्रियम या निम्नतर साम्य अवस्था में जी रही है। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब संसार। अगर मेरे आसपास का पूरा सिस्टम करप्ट है, माई ऑनेस्टी विल बी द प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी एंड द सिस्टम। अगर पूरा एक सिस्टम भ्रष्ट है, अगर प्रफुल्ल डा भी एक ईमानदार बनने का प्रयास करेगा, तो उसको दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप कथाओं के शौकीन हैं, तो आपने देखा होगा पंडित अलोपी दीन और नमक का दारोगा। प्रेमचंद का एक उपन्यास था, नमक का दारोगा नाम की कहानी थी, कि सत्य के लिए किस तरीके से कीमत चुकाई जानी होती है। हमारे पास में एक लाइव एग्जाम्पल है, मिस्टर अशोक खेम का, जो कि एक आईएएस हैं और एक, क्या कहें इसके बारे में, भारत भाग्य विधाता। ही गॉट ट्रांसफर्ड 54 टाइम्स इन द 29 ईयर ऑफ द कैरियर। इज इट पॉसिबल? सो नॉर्मली एक व्यक्ति का ट्रांसफर 3-4 साल 5 साल के लिए के बाद में होता है, परंतु जब मुझे किसी आदमी को पनिश करना होता है, जब मुझे किसी आदमी को प्रताड़ित करना होता है, तो इस तरीके के छल छद्म किए जाते हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए लोअर इक्विलिब्रियम, निम्नतर साम्यवस्था है। पूरा सिस्टम अगर 1%, 2%, 3% या इवन 10% अगर ब्राइब ले रहा है, और अगर कोई पर्सन नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो आदमी सिस्टम के ऊपर कलंक है। उस आदमी को विभीषण की तरह दुख सहना पड़ेगा। दैट्स वाई ये एक कलयुग है, दैट्स वाई ये एक डार्क एज है। मेरे मित्रों, एक और एग्जांपल, जीजस ज्यादा दूर नहीं है, केवल 2000 साल पहले की बात है, और 2000 साल विश्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते। ये भी कलयुग का ही एक अंग है,
क्योंकि कलयुग लगभग 5600 साल पुराना है, रफली 5000 प्लस ईयर ओल्ड। तो ये भी प्रकरण जो है वो एक कलयुग का ही प्रकरण है। जीसस क्राइस्ट, जिसे कि दुनिया के काफी सारे देश मानते हैं, करोड़ों और अरबों लोग उनके अनुयायी हैं, भव्य से भव्य क्रिश्चियनिटी के चर्च बनाए गए हैं, परंतु वो व्यक्ति जिनके की सम्मान के अंदर वो चर्च है, जिसके की मार्ग के ऊपर चलने की हम बात करते हैं, उन आदमी ने क्या सहा था? फोटो देख के आप देख सकते हैं, वन पिक्चर समराइजेज थाउजेंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे मित्रों, जीसस के जो विचार थे, जो क्राइस्ट के विचार थे, उस समय के जो समाज था, उस समय का जो यहूदी समाज था, उस समय का जो हिब्रू समाज था, उसको पसंद नहीं आया। वो उस जमाने के हिसाब से ज्यादा क्रांतिकारी थे, अतः उस समाज के द्वारा सूली पर चढ़ाए गए। आज आपको जीसस क्राइस्ट पसंद आ रहे हैं, परंतु उस जमाने का जो समाज था उसके अंदर वो फिट नहीं बैठ पाए और उस समाज ने उनको पनिशमेंट दिया, क्योंकि एक काला समाज एक सफेद आदमी को कभी भी सहन नहीं कर सकता। समाज पूरी कोशिश करेगा कि उसकी जड़ता, उसका इक्विलिब्रियम बना रहे। यदि आप एक लिमिट से ज्यादा क्रांतिकारी विचार लेके आते हैं, समाज आपका विरोध करना शुरू कर देगा, और वही हुआ था जीसस क्राइस्ट के साथ में। मेरे मित्रों, यदि मेरा पूरा मित्र समूह, जो मेरे एक से बढ़कर एक अच्छे मित्र हैं, यदि सभी लोग अगर मांसाहार और ड्रिंक कर रहे हैं और अगर प्रफुल डाबी ना करे, क्या होगा? एक भीड़ से अलग पर्सनालिटी हो जाएगी, एक अजीबोगरीब व्यक्ति मान लिए जाएंगे, क्योंकि मैं उस इक्विलिब्रियम के ऊपर, उस साम्यवस्था के ऊपर खरा नहीं उतरता हूं। मेरे मित्रों, जो एडम और ईव है, नो डाउट ये मैं कलयुग का एग्जांपल दूसरे सेंस में ले रहा हूं। इसे एडम और ईव जो थे, जिनकी की हम सभी संतानें मानी जाती है, वो भी प्रारंभ के अंदर निर्दोष नग्न थे। जैसे कोई बच्चा होता है, उसे नंगेपन का कोई एहसास नहीं होता, बच्चा खेलता है, कूदता है, हंसता है, गाता है, सब कुछ करता है, उसे कभी शर्म नाम की चीज नहीं होती। कि एक बच्चे को शर्मिंदा क्यों होना पड़े अगर एक छह महीने का बच्चा है, एक साल का बच्चा है, वो एक निर्दोष नग्न है। उसे नहीं पता है कि नग्नता कोई गलती होती है, समाज उसे बताता है कि यस तुम नग्न हो, तुम गलत हो। और नग्नता यदि उतनी बुरी होती तो शायद भगवान भी आपको और मुझे कपड़े पहना के बेचता। इसीलिए पहला चीज है, कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु निर्दोष नग्नता का भी अपना एक स्थान होता है। मेरे मित्रों, महावीर स्वामी जो थे, या जो नगा साधु होते हैं, या जैन धर्म के अंदर जो दिगंबर पंथ होता है, दिगंबर संप्रदाय होता है, उसके अंदर निर्दोष नग्नता होती है। निर्दोष नग्नता मतलब मेरे मन में कोई भी पाप नहीं है, मेरी आंखों में कोई पाप नहीं है, मेरे लिए दिशाएं ही वस्त्र है, मेरे अंदर इतनी सरलता है कि मैं एक बिल्कुल बच्चे की तरह हूं कि दिशाएं ही मेरा वस्त्र है। परंतु क्या हुआ था, महावीर स्वामी को उस समय की जो समाज था उसने बहुत पीड़ा पहुंचाई, उनकी नग्नावस्था की वजह से उनको तंग किया गया, क्योंकि वो समाज के प्रति कुछ ज्यादा क्रांतिकारी थे, समाज की इक्विलिब्रियम या समाज की जो साम्यवस्था थी उसके हिसाब से खरे नहीं उतर पाए। मेरे मित्रों, यहां ये प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर द्वारा मानव को दी गई संकल्प स्वतंत्रता को दबाना इतना आसान है? भगवान खुद ब्रह्मांड के जो विधाता है, उन्होंने मानव को फ्री विल दी, फ्रीडम ऑफ विल दिया। इस क्षण में जो करना है करो, देखना है, गाना है, पाप करना है, पुण्य करना है, रोना है, सोना है, धोना है, जो करना है करो, परंतु एक्शन के साथ में रिएक्शन जुड़ी है, कर्म के साथ में कर्म फल जुड़ा है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि क्या ईश्वर द्वारा मानव को दी गई संकल्प स्वतंत्रता को दबाना इतना आसान है? नो, नॉट एट ऑल, 101% नो।
कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जो कि समाज या सोसाइटी के विरोध के बावजूद अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्ति देते हैं। जो होना है सो हो जाए, परंतु मेरे अंदर अगर कुछ जाग रहा है तो उसकी अभिव्यक्ति अनिवार्य है। अगर एक कवि है, उसके मन में हजारों और सैकड़ों और लाखों कविताएं अगर उत्पन्न हो रही है, उसको अगर अपने अंदर हल्का होना है तो उसको अभिव्यक्ति करनी होगी। एक वैज्ञानिक है, चुपचाप नहीं बैठ सकता वो, उसको अपने हृदय की अभिव्यक्ति, अपने मन की अभिव्यक्ति करनी होगी, वरना वो शांतिपूर्ण नहीं रह सकता। और यहाँ रस्साकसी चालू होती है समाज और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में एक टग ऑफ वार शुरू होता है। समाज चाहेगा इक्विलिब्रियम परिवर्तन का विरोध करे और व्यक्ति चाहेगा कि परिवर्तन करे। और मेरे मित्रों, व्यक्तियों और लोगों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। बूंद बूंद ते घट भरत टपकत रीतो होई। हर व्यक्ति समाज के ऊपर अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालता है, भले ही वह योगदान सकारात्मक हो या नकारात्मक। व्यक्ति का समाज के ऊपर प्रभाव होना अवश्यंभावी है, समाज का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होना भी अवश्यंभावी है। समाज व्यक्ति को बदलता और प्रभावित करता है और व्यक्ति समाज को बदलता और प्रभावित करता है। यक्ष प्रश्न यह उठता है कि हमारा अपने समाज में क्या योगदान है। ईश्वर ने दिया फ्री विल, जो चाहूं वो करूं, कर्म और फल के अधीन हूं। परंतु हर व्यक्ति का अपने से यह प्रश्न उठना चाहिए, यह प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति का समाज के अंदर योगदान क्या है, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। हम समाज में क्रिएशन का अंग है या विध्वंस का, हम रचनात्मक हैं या विखंडन की सोच रखते हैं, हम समाज में शुभ के अंग हैं या अशुभ के अंग हैं, हम समाज के अंदर रामराज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं, हम समाज को क्या बर्बाद करना चाहते हैं, उसे और कालिमा पूर्ण या आसुरिक समाज बनाना चाहते हैं, या हम इस समाज को कुछ उठाना चाहते हैं और कुछ ज्यादा बेहतर जीने लायक रहने लायक प्लेस बनाना चाहते हैं। हम समाज की गंदगी का हिस्सा हैं या समाज की अच्छाई का हिस्सा हैं। ये यक्ष प्रश्न आपके हमारे सबके मन में उठता है मेरे मित्रों। और विश्वगुरु भारत या सोने की चिड़िया भारत के उच्चतर आदर्श समाज की रचना करने हेतु कुछ व्यक्तियों को आगे आना ही आना होगा। अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, यदि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को समाज के सम्यवस्था या समाज के परिवर्तन का विरोध करना होगा और कोशिश करनी होगी कि उनके प्रयासों के द्वारा समाज आगे का उच्चतर जो सम्यवस्था है, हायर इक्विलिब्रियम है, रामराज्य की तरफ जो प्रयास है वो कर पाए। हमें पूरी कोशिश करनी होगी जिससे कि एक हायर इक्विलिब्रियम जो स्टेट का सोसाइटी है, या इसे कहा जा सकता है दिव्य समाज का जो निर्माण है, वो हो पाए। मेरे मित्रों, इसके अंदर एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, आपको हमको सबको मिलकर प्रयास करना होता है। इस देश के 130 करोड़ लोगों को अपने अपने हिस्से का योगदान जरूर करना होगा, जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु बन पाए, हमारा देश सोने की चिड़िया बन पाए, हमारा देश विश्व का अगुआ बन पाए। और मेरे मित्रों, ये जो उच्चतर आदर्श समाज है, ये जो दिव्य समाज है, ये जो बेटर समाज है, ये जो यूटोपियन सोसाइटी है, ये व्यक्तियों के उत्थान के अंदर योगदान देगा। जब आसपास का पूरा वातावरण अगर सात्विक होता है, तो एक पापी से पापी व्यक्ति भी कुछ उठना शुरू कर देता है। तो मेरे मित्रों, ये विश्वगुरु भारत का जो निर्माण है, कुछ व्यक्तियों को करना होगा, कुछ व्यक्तियों को इसमें आगे आना पड़ेगा, कुछ व्यक्तियों को समाज के विरोध के बाद में भी अपना कार्य पूरे जोरों शोरों से भागीरथ प्रयत्न से करना होगा, जिससे कि बेहतर विश्व का निर्माण हो पाए, विश्वगुरु भारत का निर्माण हो पाए। और मेरे मित्रों,
जब ऐसे दिव्य समाज का निर्माण हो गया या उच्चतर आदर्श समाज का निर्माण हो जाएगा, तो सोसाइटी विल हेल्प द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल विल हेल्प द सोसाइटी। दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे, समाज व्यक्ति को मदद करेगा, व्यक्ति समाज के अंदर अपना बेहतर योगदान देगा और दोनों ही लोग, समाज और व्यक्ति, आगे आगे और आगे बढ़ता जाएगा। और मेरे मित्रों, इस कदम के द्वारा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा दिव्य समाज का निर्माण होगा, एक आदर्श समाज का निर्माण होगा और राम राज्य का निर्माण होगा। भगवान बुद्ध के शब्दों में, असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, अर्थात असत से सत की तरफ हमारी यात्रा होगी, अंधेरे से प्रकाश की तरफ हमारी यात्रा होगी और मृत्यु से अमरता की तरफ हमारी यात्रा होगी। आइए मेरे मित्रों, लेट्स गो टुगेदर, संगत छत्वम। ठोकरें खाकर भी न समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। सत्याग्रह, दिस इज चॉइस ऑफ योर्स, एक कदम विश्व गुरु भारत की तरफ, संगत छत्वम, आइए साथ चलें। मेरे मित्रों, ये बहुरंग या मिसेलिनियस सीरीज है, दैट इज फॉर मेकिंग ऑफ द ईडन गार्डन। Knowing is very good, but doing is always better. मेरे मित्रों, बहुरंग या मिसेलिनियस सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। ये विश्वास मेरे अंदर है और यही विश्वास मुझे आप सब में जगाना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साखी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कणभर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक, सजेशंस, क्रिटिक्स आर देयर, दैट कैन बी सेंट एट 02infinity.praful.dabi@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप कहीं से भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना आ रहा हो, आपका ये मित्र आपके लिए हमेशा उपलब्ध था, है और रहेगा। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माई डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू, मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.